भैया जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में और राज्यसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या लगता है कि 2024 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, क्या है कि हर जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि उसके क्षेत्र का विकास हो, उसके जिला, उसके प्रदेश और उसके देश का विकास हो। जिन माननीय विधायकों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के अभियान को, उनके मिशन को स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, और ऐसे जनप्रतिनिधि जो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, हमारे उम्मीदवारों को जिताने में मदद की। तो मैं समझता हूँ कि एक सकारात्मक ये सोच है, अगर वो विकास के साथ चलना चाहते हैं तो हरज क्या है। ऐसे माननीय जनप्रतिनिधियों का हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। भारत आत्मनिर्भर बने, भारत विकसित राष्ट्र बने, ये जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए ऐसे लोग आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों का स्वागत है। सर, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी अब धीरे धीरे विघटन की ओर जारी जा रही है, उनके सभी प्रमुख नेता धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहे हैं। इस विघटन के पीछे समाजवादी पार्टी की किन नीतियों को दोषारोपित किया जा सकता है? नहीं, एक तो मैं समझता हूँ कि जो परिवारवाद की राजनीति है, उस दायरे से समाजवादी पार्टी बाहर नहीं निकल पा रही है, और अभी कुछ प्रत्याशियों का नाम उन्होंने घोषित किया है, अभी भी अपने परिवार को 3 से ज़्यादा टिकट दे दिया, अभी और पता नहीं क्या होगा। तो ये डॉक्टर लोहिया का सपना थोड़ो था। डॉक्टर लोहिया तो परिवारवाद के सख्त खिलाफ थे, राष्ट्रवाद के पोषक थे। आप सब लोग जानते हैं कि चित्रकूट के अंदर लोहिया जी ने रामायण मेला लगवाया, और ये इन लोगों का क्या है, भगवान राम मंदिर, भगवान का मंदिर बना, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ऐसे कार्यक्रमों से भी ये लोग दूरी बना के रखे। तो जन भावनाओं का निरादर करने का जो पाप इन लोगों ने किया है, उसका खामियाजा भोग रहे हैं। और ये पीडीए की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट बैकवर्ड के साथ, बैकवर्ड के साथ अगर किसी ने अत्याचार किया है, तो आप समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को उठाकर देख लीजिए। तो इस हालात में तो इनको पहुंचना ही था, अभी और इनकी स्थिति इन लोगों की खराब होने जा रही है। सर, बात करें अगर राहुल गांधी और सपा कांग्रेस के गठबंधन की बात करें, और जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से इनके अंदर एक फूट का मुख्य कारण बनता चला जा रहा है। अब ये देखिए, उन लोगों के आपसी मामला है। बाकी उत्तर प्रदेश ने तो दो लड़कों की जोड़ी को पहले भी देखा है और नकारा भी है, तो ये पुराने चावल हैं, कहीं यहाँ कोई दाल वाल गलने वाली नहीं है। जनता बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझ रही है, जान रही है। देश आज तेज़ी से आगे बढ़ गया है, लोग मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, देश का विकास देखना चाहते हैं, अपना विकास देखना चाहते हैं, इसलिए कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। 400 के पार का जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उससे भी बड़ा परिणाम निश्चित तौर पर आने जा रहा है, और एक बार फिर पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार उनके नेतृत्व में बनेगी। यहाँ अगर बात करें कर्छना की, तो कुंवर रेवती रमन सिंह ने भी अब एक तरीके से सपा के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बात कही है, तो कहीं ना कहीं उनका भी घर वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, कुछ फैसले हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व किया करता है, अब उस पर बयान देना हम लोगों को कहीं से उचित नहीं है। बाकी हमने शुरू में ही कहा कि जिन लोगों को माननीय मोदी जी की नीतियों से और भारत को विकसित बनाने का उनका जो संकल्प है, अगर इस तरह के अभियान और मिशन को लेकर जिनके अंदर भी स्वीकार्यता है, अच्छी बात है, एक सकारात्मक वातावरण बन रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।